मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कभी कभी जब ऐसी न्यूज, ऐसी बातें जब सुनता हूं, दिल को बहुत तकलीफ होता है। और जब आप ऐसे लोगों से कुछ एक्सपेक्ट किए हो जिससे कभी उम्मीद ना होती हो कि ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, और जब वो ऐसा करता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ हमें होती है। अगर कोई हमारे देश के बारे में और अगर कुछ हमारे देश के हित के लिए कोई अगर कुछ ना करे और उसके अहित के बारे में ही ज्यादा कुछ बोले, तो वैसा इंसान इस देश के लिए देशभक्त नहीं, एक गद्दार की तरह होता है। और ऐसा ही आमिर खान, जिसको पूरी दुनिया ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, इतना सम्मान दिया, उनके मूवीज को इतना ज्यादा हिट करवाया और पूरी दुनिया ने उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टैग दिया, और उनका बयान आता है, उनकी बीवी का बयान आता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बीवी हैं, भारत देश में सेफ फील नहीं करता हूं। और आज उस तुर्की के यहां फर्स्ट लेडी के जाकर के यहां वो खाना खा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट के बारे में बातें हो रही हैं। लाल सिंह चड्ढा के सूट को लेकर के वो वहां लोकेशन पे गए हैं। वही तुर्की जो कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान से हम लोगों का जो गर्माहट चल रही थी, तो उसमें इसी तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और हमेशा आए दिन भी ये तुर्की सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। आपको बता दूं कि ये जो फोटो वायरल हो रही है, उस फोटो को आमिर खान या आमिर खान के टीम ने पोस्ट नहीं किया था। जो प्रेसिडेंट, तुर्की की प्रेसिडेंट की जो वाइफ है, फर्स्ट लेडी, उन्होंने इस पिक को शेयर किया अपने ट्विटर पर। अभी लाल सिंह चड्ढा की जो शूटिंग थी पंजाब में हो रही थी, लेकिन कुछ कारणों से, लॉकडाउन की वजह से, इस मूवी को वहां पे शूट नहीं किया गया और तुर्की ये चले गए शूट करने के लिए। क्या उससे अच्छा अच्छा लोकेशन हमारे भारत देश में? लेकिन इनको भारत देश में तो अनसिक्योर फील होता है, इनको तो भय लगता है भारत देश में। दोस्तों, आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे लोगों को बायकॉट करने की जो हमारे देश के लिए, जो हमारे समाज के लिए, हित के लिए नहीं सोचते हैं। और इस मूवी में करीना कपूर भी हैं, और इतनी भद्दी सी बयान उन्होंने ये भी दिया है कि अगर आप लोगों को मूवी नहीं देखनी है तो मेरी मत देखो, ऐसा ऐसा बयान, इतना एटीट्यूड किस बात का? मैं पूरी जनता से, पूरे भारत देश की जनता से ये हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको अपने देश की संस्कृति को बचाना है, अपने आने वाले न्यू जेनरेशन के लिए कुछ अच्छा रखना है, कुछ अच्छी ज्ञान देनी है, तो प्लीज बॉलीवुड के बहिष्कारित बायकॉट करो ऐसे लोगों को, जिस लोगों ने हमारे भारतीय संविधान, संस्कृति को, भारतीय ट्रेडिशन को खत्म करने की कोशिश की है। ये अपनी मूवी में आमिर खान जी बताते हैं, हमारे भगवान का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं बटरिया गुल हो गई बा, हमारे भगवान के बारे में ऐसी ऐसी व्यंग करके उनकी मजाक उड़ाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको इन सारे चीजों को खत्म करना है, तो ये जितने भी, जिन लोगों को भी आपने बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाया है, बड़े बड़े स्टार को इतने बड़े बड़े नाम दिए हैं, इतने बड़े दिग्गज लोगों को इतने ज्यादा पैसे दिए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सब एक बीज है, ये सब एक मोहरा है, और इसके पीछे जितने तना है वो मेन है। ये तो बस एक मोहरा है, इसको यूज करके इतने सारे लोगों ने इतने वाहियात चीजों को हम लोगों के साथ खेला। और कहते हैं ना कि अगर ताना को खत्म करना है, पेड़ को खत्म करना है, तो बीज को पहले खत्म करो। अब बीज है ये लोग, जो लोग हमारे देश में इतनी गंदी वाहियात चीजें फैलाते हैं। और ताना कौन है? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, पीआर टीम, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, वो ताना है। तो तना मेन होता है, कास्टिंग काउच, ना जाने कितने सारे लोगों के साथ गलत गलत चीजें होती हैं। अगर आप आज इस बीज को खत्म कर दोगे तो हमारा देश इन सब चीजों से दूर हो जाएगा, इन सब चीजों से बच जाएगा। अगर आपको अपनी संस्कृति को, अगर आपने अपने देश को बचाना है, तो इन सब चीजों को जड़ से खत्म करना होगा, और जड़ से खत्म करना है तो पहले बीज को खत्म करो। आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि अब पीआर टीम जो है वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है।
बहुत सारे यूट्यूबर्स जो आवाज़ उठा रहे हैं बॉलीवुड के अगेंस्ट या फिर SSR के लिए, जस्टिस के लिए जो भी आवाज़ उठा रहे हैं, तो PR टीम जितनी है या तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे लोग कितना भी भटकाने की कोशिश करें, आप लोग मत भटकना। और PR टीम कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी कुछ भी कर लो, मैं तो आवाज़ उठाऊंगा, मैं तो जस्टिस के लिए डिमांड करूंगा, मैं वो तमाम लोगों के अश्लीलता का विरोध करूंगा जो इस भारत देश में हमारी संस्कृति को ख़त्म करने के लिए साजिश रचता है। मैं उन तमाम लोगों के लिए विरोध करूंगा जो हमारे देश में संस्कृति के लिए, अश्लीलता के लिए तमाम चीज़ें फैलाने की कोशिश करता है। तुम्हें जितनी ताकत लगानी है, जितनी मेहनत करनी है, लगा लो। लेकिन ये आशीष राठौर न झुका है, न झुकेगा, न डरा है, न डरेगा। आप लोगों के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा, इस भारत देश के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा, अपने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए आवाज़ उठाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोस्तों, बहुत तकलीफ होता है कि जब हमारे देश में जिसको हम लोगों ने, हमारे जनता ने उनको इतना बड़ा बनाया, और वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, हमारे देश के लिए क्या सोचते हैं, हमारे दुश्मन देश के साथ जाकर के हाथ मिलाते हैं और ये बताते हैं कि मैं इस देश का नहीं हूँ, मुझे इस देश से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बाहर से फील करता हूँ। क्या हमारे देश में, हमारे इंडिया में अच्छा लोकेशन नहीं है? क्या हमारे देश में अच्छे लोग नहीं हैं? कि हमारे देश की जनता क्या दिल नहीं है उनके पास? हर इंसान के बारे में इतनी गलत सोच, ऐसी सोच, ऐसी वाहियात सोच रखते हैं ये लोग। तो हमें आज ज़रूरत है ऐसे लोगों को पूरी तरह से बायकॉट करने की और ऐसे लोगों को जड़ से ख़त्म करने की। दोस्तों, मैं रियली बता रहा हूँ, अगर आपको अपनी संस्कृति को बचानी है तो प्लीज़ बायकॉट, बस यही ऑप्शन है। बायकॉट, 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 ये सब चीज़ों का बहिष्कार करो जब तक कि हमारे देश में ये सब चीज़ जड़ से ख़त्म नहीं हो जाता। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ, फिर एक नई सोच के साथ, नए समय के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।